अगोचर अदृश्य का दृश्य, दिखते और अनदिखते पानियों का संगम, रमजों को खोलने का हौसला बांटते हुए गुरु नानक मनुष्य को अपने अंदरूनी प्रवाह के साथ संपर्क कायम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गुरु नानक के समकालीन संत को भी सजदा है जो एक अशुभ गांव में अपने निवास से समाज में जुझारू जज्बा पैदा करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकार गुर परसाद सुन वड़ा आखे सब कोय के वड़ वड़ा डीठा होय कीमत पाए ना कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। बहुत सारे लोग अकाल पुरख के बढ़प्पन की सिर्फ बातें करते हैं, उनकी विशालता की झलक पाने वाले मनुष्य एक कदम आगे बढ़ते हैं और कर्मों के माध्यम से उसके साथ एक हो जाते हैं। अयोध्या से हम गुरु नानक के पद चिन्हों से थोड़ा घुमाव लेकर मगर जा रहे हैं ताकि भगत कबीर की यादों का गुलदस्ता देखा जा सके। भगत कबीर और गुरु नानक समकालीन थे। भगत कबीर का हिंदू और मुसलमान समुदायों पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि उनकी याद में एक ही स्थान के अंदर एक मंदिर बना है और एक मजार भी बनी है। वह इस स्थान पर इस नश्वर संसार से विदा हो गए थे। मौजूदा दौर में सांप्रदायिक अलगाव की पालाबंदी मजबूत हो रही है, लेकिन यह स्थान अनेकता में एकता की नुमाइंदगी करता है। भगत कबीर भक्ति लहर के इनकलाबी संतों में सबसे ज्यादा हवाला दिए जाने वालों में शामिल हैं। वो एक निर्धन जुलाहा परिवार से थे और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध तर्जमानों में से एक हैं। मौजूदा दौर में भी उनके कलाम साहित्यिक अध्ययन के विषयों में शुमार हैं। उनका जन्म
वाराणसी में वर्ष 1398 में हुआ था। बचपन में 10 बर्दार किए गए भगत कबीर को एक मुसलमान परिवार ने पाला था। नीरू और नीमा पालन करने वाले माता पिता थे जो जुलाहे का काम करते थे। भगत कबीर ने संन्यास के मुकाबले गृहस्थ का मार्ग चुना और जुलाहे के तौर पर कमाई करते हुए सांसारिक दायित्वों को निभाया। इस दौरान उनका ध्यान रूहानी गहराइयों में उतरा रहता था। भगत कबीर ने जाहिर जगत में ऊंची रूहानी उड़ान भरने के लिए स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनने के लिए मनाया, जो वाराणसी के सर्वोच्च कुल ब्राह्मणों में थे। भगत कबीर इनकलाबी थे। उन्होंने मजहबी इंतजामिया, मजहब की आदाराबंदी और कर्म कांडों के खिलाफ आवाज उठाई। वह इन्हें ख्यालों की घेराबंदी मानते थे और उन्हें ये ज्ञान प्राप्ति के राह में रोड़ा लगते थे। सद्गुरु कबीर इस जीवन के सभी प्राणियों को एक मेहमान के रूप में ये शब्द संबोधित करते हैं कि तुम 4 दिन के मेहमान हो, इस मेहमानी में तुम क्या कर रहे हो, उसके प्रति वो अपना संदेश देते हैं। अरुमान पाहुना गुरु बिन जइबा कौन बाटी, यहाँ तो हिंदू तुर्क बने हो, बीच भर में की टाटी, बीच भर में की टाटी। अरु स्वासाई नखा स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे। भगत कबीर ने निराले कटाक्ष के अंदाज में संदेश दिए। अपनी उलट बाणी में उन्होंने नैतिक सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रकार वो श्रोता में जवाब खोजने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। एक अचंभो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई, कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत तेस सब के सूझे। वो नजरिए को घुमा के उल्टे क्रम में दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं। ये अंदाज एक खूबसूरत दृश्य का सृजन करता है और रूढ़िवादी सोच को सवाल के घेरे में लाता है। वो कहते हैं कि पहले बेटा पैदा होता है और फिर माँ पैदा होती है। शेर और गाय एक साथ चरते हैं और गुरु अपने अनुयायियों की चरण वंदना करते हैं। इन गहन शब्दों के साथ उन्होंने ऊपर और नीचे, उच्च और तुच्छ, शुद्ध और अशुद्ध, मानव और पशु की स्थापित दर्जाबंदी को चुनौती दी। अपना पूरा जीवन वाराणसी में बिताने के बाद भगत कबीर ने अंतिम दिनों में मगर नामक एक बंजर गांव में बसने का फैसला किया। प्रचलित मिथक के अनुसार वाराणसी में मृत्यु और दफन से मोक्ष मिलना निश्चित था और मगर गांव में मृत्यु को मोक्ष के मार्ग में बाधक माना जाता था। बेखौफ भगत कबीर ने वृद्ध उम्र में इस मिथक भ्रम को फैलाने वाले मजहबी इंतजामिया को चुनौती दी। उन्होंने वाराणसी छोड़ दिया और मगर में मरना कबूल किया ताकि उनके विचारों की गंभीरता को खुले तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने अपने समय के ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। मगर के बाद हम वाराणसी के अंदर लहर तारा के कबीर मठ जा रहे हैं। भगत कबीर की वाराणसी में गुजारी उम्र की याद में यह मरकज बनाया गया है। आड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास,
आड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। गुरु नानक और भगत कबीर की वाणी में सामंजस्य है। उन दोनों ने मूर्ति पूजा की जगह अनुभव के जरिए विवेक की प्राप्ति और दीनदारी को प्राथमिकता दी। इसके बावजूद हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में इन संतों के फलसफे को लागू करने की जगह उनकी मूर्तियों और तस्वीरों के प्रति श्रद्धा ज्यादा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है, ए देश बिराना। भगत कबीर और गुरु नानक समकालीन थे। जन्म साखियों की कलाकृतियों में उन्हें गोष्ठी करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उनका मेल होने का कोई सबूत नहीं है। भगत कबीर के शब्दों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल करना साबित करता है कि उन दोनों के फलसफे में मेल था। बहुत से लोगों का मानना है कि कबीर साहब और गुरु साहब का मिलन कई बार हुआ है, और जो मनुष्य एक दूसरे को छोटा ऊंचा नीचा ऐसे भेदभाव बना रखा था, दोनों गुरुओं ने समाज को सुधारने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया। यह संसार ओस का बुंदा, ओस का बुंदा, पवन लगे झड़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, ए देश है। साहब का उपदेश था, मानो तेरा गुण बड़ा मास न आवे काम, इसलिए तुम अवगुणों को छोड़कर गुणों का प्रसार करो, दूसरों के लिए कल्याण के लिए काम करो, और किसी तरह का भेदभाव से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व को पहचानो, यही मनुष्य तन का अंतिम लक्ष्य है। गुरु नानक और भगत कबीर अक्सर रूपकों में बात करते हैं। भारतीय ग्रंथों में दो जमाने का जिक्र आता है, सतयुग बीत चुका अच्छाई का जमाना, और कलयुग अवगुणों का समकालीन दौर है। गुरु नानक और भगत कबीर के लिए यह जमाने किसी क्रमवार लड़ी में नहीं बंधे हैं, बल्कि मन की हालत का संकेतक इजहार है। जब मन ऊंचाइयों को नापने की सोच से भरा होता है, तब वो समा सतयुग का दौर है। उसी प्रकार जब मन में बुरी सोच प्रबल होती है, तो वो समा कलयुग है। गुरु नानक और भाई मर्दाना ने अयोध्या के बाद निजामाबाद और प्रयागराज का सफर किया। अयोध्या में घाघरा नदी के तट से नाव में पूर्व की ओर रवाना हुए और वर्तमान उत्तर प्रदेश के टांडा में उतरे और फिर पैदल निजामाबाद गए। गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अयोध्या से निजामाबाद जा रहे हैं।
जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का कस्बा है। निजामाबाद तमसा नदी के तट पर है, जो अब केवल एक धारा मात्र रह गई है। जौनपुर के जनरल निजामुद्दीन के नाम पर इस शहर का नाम निजामाबाद रखा गया। निर्मला संप्रदाय के 19वीं सदी के विद्वान पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने गुरु तीरथ संग्रह में लिखा है कि गुरु नानक अयोध्या से प्रयागराज के रास्ते में निजामाबाद से गुजरे थे। निजामाबाद गांव में पहले हम गुरुद्वारा चरण पादुका जा रहे हैं। तमसा नदी से थोड़ी दूरी पर गुरुद्वारा चरण पादुका गुरु नानक की निजामाबाद में आगमन की याद में बनाया गया है। उदासीन संप्रदाय के बाबा प्रेमदास उदासीन ने इस स्थान को शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया। उदासियों ने गुरु नानक के फलसफे को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्भाग्य से 20वीं शताब्दी की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने गुरु नानक के प्यारों को विभाजित कर दिया है। इस वजह से कई सालों तक इस गुरुद्वारे में सेवा संभाल का काम बंद रहा। हाल के वर्षों में इस गुरुद्वारे की व्यवस्था की गई है। उदासीन संप्रदाय द्वारा लिखी गई गुरु ग्रंथ साहिब की 31 बीड़ों को इस स्थान पर संरक्षित किया गया है। इन 31 बीड़ों की आवश्यक वैज्ञानिक देखभाल की जा रही है। यह स्थान धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी जदों पहली उदासी यात्रा वेले इस स्थान पर आए, उन्हां दे जाण तों बाद इत्थे उदासी पंथ का काफ़ी प्रचार प्रसार रहा, जिदे विच 31 हस्तलिखित ग्रंथ अज भी इस पावन स्थान पर मौजूद हैं। स्थानीय कायस्थ बिरादरी हिंदू धर्म के पदानुक्रम में उच्च जाति में आती है। उदासीन संप्रदाय के प्रचार से कायस्थ बिरादरी गुरु नानक के फलसफे के संपर्क में आई। यह बिरादरी उनके फलसफे की भावना से जुड़ी हुई है, जिसकी झलक पुरानी पीढ़ी में अब भी मिलती है, लेकिन अब यह मान्यता घट रही है। हम एक स्थानीय कायस्थ सज्जन से मिले ताकि स्थानीय बिरादरी पर पड़े गुरु नानक के संदेश के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सके। गुरु नानक देव जी जब यहाँ पर आए थे तो उनके बाद से प्रभावित होकर यहाँ पर 250 गौर कायस्थ थे, जिसमें से 150 गौर कायस्थ जो है गुरु नानक जी के उससे एकदम प्रभावित होकर उन्हीं की बात पर ही चलते थे। हम तो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते ही हैं और हमारी शादी हुई है, कायस्थ परिवार में हुआ है, लेकिन वो परिवार जो है गुरु महाराज को नहीं मतलब मानने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी वाइफ में आई, वहाँ पढ़ी और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती, मतलब वो पंचग्रंथी साहब का, हमारे बच्चे भी मानते हैं, आते हैं रोज गुरुद्वारा जो है मट्ठा टेकते हैं। हम अब तमसा नदी के किनारे जा रहे हैं, जहाँ एक ही स्थान पर मंदिर और गुरुद्वारा बने हुए हैं। तमसा नदी के किनारे बसे निजामाबाद नामक अनोखे गांव में गुरु नानक के मजहबी इतफाक वाली सोच का एहसास होता है। यहां गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के करीब स्थित हैं। समय के साथ ये गुरुद्वारा वीरान हो गया। अब इसका इंतजाम
गुरुद्वारा चरण पादुका वाली कमेटी द्वारा किया जाता है। इस गुरुद्वारे में अभी कोई संगत नहीं बैठती। नाम के माध्यम से ही मन का चेतना के साथ मेल हो जाता है। मेरा ध्यान घूम फिर कर उदासीन संप्रदाय के समर्पण की ओर जाता है, जिन्होंने इस स्थान पर गुरु नानक की याद में गुरु ग्रंथ साहिब के इतने स्वरूप तैयार किए। इस गांव निजामाबाद में कुछ समय बिताने के बाद गुरु नानक और भाई मर्दाना ने प्रयाग का सफर शुरू किया, जिसे बाद में इलाहाबाद कहा गया, लेकिन हाल के दिनों में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अब हम निजामाबाद से प्रयागराज में झूसी जा रहे हैं। कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है। ये मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में महत्वपूर्ण नदियों के तट पर अपने नियत समय पर लगता है, लेकिन इन शहरों में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। कुंभ मेला दो अक्षरों का मेल है। कुंभ का अर्थ है गर्भ, जो जरखेजी या जीवन के स्रोत की नुमाइंदगी करता है। मेला का अर्थ है त्योहार। ऐतिहासिक रूप से समय समय पर लोगों में रूहानी सोच को बढ़ावा देने और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। प्रयागराज में दो नदियों का संगम है, लेकिन इसे त्रिवेणी कहते हैं। तीसरी नदी पौराणिक सरस्वती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो अभी भी भूमिगत बहती है। गंगा यमुना के संगम पर घाट के साथ झूसी नामक प्राचीन बस्ती है, जो हिंदू धर्म के लिए सदियों से तीर्थ स्थल रहा है। तीर्थ यात्रियों के साथ गोष्ठी करने के लिए गुरु नानक और भाई मर्दाना गंगा यमुना के संगम पर झूसी में रुके थे। गुरु नानक त्रिवेणी के तट पर ध्यान कर रहे थे, तब रूहानी परामर्श के लिए लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। उनकी दुविधा ये थी कि कर्मकांड, ध्यान और पूजा पाठ करने के बावजूद उनके मन में विस्माद का वास नहीं होता। गुरु नानक ने उत्तर दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हुए बिना विस्माद नसीब नहीं होता। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा
ठग खादा मुर्दार पर निंदा परमल मुख सुदी अगन क्रोध चंडाल रस कस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच करम बैरोए बाबा बोलिए पत हो मन की इच्छाएं ही अमलों का रास्ता तय करती हैं, जिनसे होनी अपने नक्श निखारती है। अच्छी इच्छाओं से मन को चैन मिलता है और बुरे इरादे विपत्ति लाते हैं। गुरु नानक के उत्तर से सहमत लोग यह समझने के लिए उत्सुक थे कि उनको रूहानी कर्मकांड के तरीके के अनुसार तीर्थ यात्रा, स्वयं के कष्ट झेलने, तप करने और नग्न रहने के बावजूद अहंकार, द्वेष और शारीरिक पीड़ा से छुटकारा क्यों नहीं मिलता। गुरु नानक का उत्तर था कि सुकून तो सहजता से ही मिल सकता है, जो मनुष्य का जन्मजात गुण है। उन्होंने समझाया कि बाहरी कर्मकांड मामूली मामले हैं। यदि मनुष्य को अंदरूनी इत्तफाक और परिवेश के साथ इत्तफाक कायम करना है तो उसे आंतरिक रूप से सामंजस्य बिठाना होगा। सत दुख या सत सुख या ना सत पानी सतमूंद मुदाई के सी ना सत पड़या देश फिरे देश फिरे सत रुखी बिरखी पत्थर आप तछावे दुख सहे ना सत हस्ती बदे सत गाय का हो चरे जिस हाथ सिद्ध देवे जे सोई जिसनो दे तिस आए के फलसफे की खूबसूरती यह है कि यह एक साधारण जीवन प्रवाह से सच्चे कर्मों पर जोर देता है। त्रिवेणी की यात्रा के दौरान हमें गुरु नानक की याद से जुड़ा कोई स्थान या कोई अन्य निशानी नहीं मिली। स्थानीय बिरादरी ने बताया
कि पहले त्रिवेणी के घाट पर गुरु नानक की याद में झूसी में एक चबूतरा बना था, लेकिन ये नदी के बाढ़ के कारण बह गया था। इस जगह की देखभाल उदासीन संप्रदाय के बाबा पंचनंद करते थे, जो भगत भगवान की 14वीं पीढ़ी थे। भगत भगवान को गुरु नानक के फलसफे के प्रचार की जिम्मेदारी गुरु हर राय ने दी थी। त्रिवेणी से हम गुरुद्वारा पक्की संगत जा रहे हैं, जो प्रयागराज के मोहल्ला अहियापुर में है। यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। इस वक्त गुरु नानक की प्रयागराज यात्रा की याद में कोई स्थान नहीं है, लेकिन कुछ रचनाएं इस स्थान को गुरु नानक के साथ जोड़ती हैं। हम अब पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जा रहे हैं। गुरु नानक के संदेश को प्रयागराज और गंगा पट्टी के दूर दराज के क्षेत्रों में 20वीं शताब्दी की शुरू तक उदासीन संप्रदाय ने किया। पिछले 100 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। गुरु नानक नाम लेवा पहले एक ही छत्र के नीचे हुआ करते थे, लेकिन अब वह बिखर गए हैं। पुराने सांस्कृतिक इत्तेफाक के सूत्रों की तलाश में हम पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जा रहे हैं। मैंने इस स्थान पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज देखे कि गुरु नानक कभी इस बिरादरी के केंद्रीय शख्सियत थे। समाज के बंटवारे के बारे में सोचते हुए मेरे मन में यह सवाल आता है कि क्या हम सब गुरु नानक की वहदत वाली सोच से दूर हो गए हैं? मैं और मेरे के संघर्ष में कई लोग दुख में नष्ट हो गए हैं। Thank you.